नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज 7 अप्रैल, चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। भाजपा स्थापना दिवस पर भाजपा नेताओं ने जरूरतमंदों के बीच खाने का किया बंटवारा। इस समय पूरे देश में कोरोना का असर देखने को मिल रहा है, वहीं इसी बीच बिहार का स्थापना दिवस बीते दिन मनाया गया, जहां पर बीते सोमवार को भाजपा के 40 साल पूरे हो गए, जिसके शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। वहीं बिहार में भाजपा कार्यकर्ता ने गरीबों के बीच राहत सामग्री वितरण का कार्यक्रम चलाया और गरीबों को खाने और जरूरत सामानों का वितरण भी किया। पटना में 7,000 लोगों को किया गया आइसोलेट। कहने को बिहार में अब तक सिर्फ 32 मामले पॉजिटिव पाए गए हैं, मगर पटना में लगभग 7,000 लोगों को आइसोलेट करने की खबर सामने आई है। खबरों की माने तो कोरोना पर कंट्रोल के लिए पटना में 7,200 को आइसोलेट किया गया है। ऐसे लोग हैं जो 25 मार्च के बाद विदेश यात्रा या अन्य राज्यों से आए हैं, इन्हें अलग अलग जगह पर फिलहाल रखा गया है। वहीं कोरोना के बढ़ते असर को रोकने के लिए पटना में जोर शोर से स्क्रीनिंग की प्रक्रिया भी चालू है। कोरोना के बीच चमकी ने बढ़ा दी सरकार की परेशानी। कोरोना का असर अभी खत्म नहीं हुआ था कि एक बार फिर से चमकी ने सरकार की परेशानी बढ़ा दी है। खबरों की माने तो मुजफ्फरपुर में चमकी ने दस्तक दे दी है और इससे कुछ लोग भी प्रभावित हो चुके हैं। वहीं अब इस पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार ने अपनी तरफ से तैयारियां शुरू कर दी है। साथ ही चमकी प्रभावित 4 जिलों के लिए जरूरी चिकित्सीय संसाधनों को भी बहाल कर दिया है। ज्ञात हो पिछले साल चमकी की चपेट में कई लोग आए थे और कई ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने दुनिया को अलविदा भी कह दिया था। बालू घाटों की बंदोबस्ती रुकी। कोरोना ने वर्तमान समय में अपनी चपेट में हर चीज को ले लिया है। वहीं अब कोरोना की वजह से बिहार में खान एवं भूतत्व विभाग पर भी बड़ा असर देखने को मिलने वाला है। खबरों की माने तो कोरोना के बढ़ते असर के कारण राज्य के 100 बालू घाटों की बंदोबस्ती अटक गई है। हालांकि इन घाटों की बंदोबस्ती अप्रैल में की जानी थी, लेकिन अब सरकार भी नहीं जानती कि इसकी बंदोबस्ती कब तक हो सकेगी, जैसे कि विभागों को काफी ज्यादा घाटा हुआ है। 5,000 से अधिक सहायक प्रोफेसर बहाली की तारीख टली। इस महीने 5,000 से अधिक सहायक प्रोफेसर की होने वाली बहाली की तारीख को टाल दिया गया है, जिसकी जानकारी 17 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिक्षा विभाग के साथ हुई बैठक में तय की गई है। खबरों की माने तो इन 5,000 सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति की तारीख को टालने की मूल वजह कोरोना का बढ़ता असर है। शिक्षा विभाग ने इस महीने के अंत तक विश्वविद्यालय सेवा आयोग की बहाली के लिए रिक्त पदों की सूची भेजने का लक्ष्य रखा था, मगर कोरोना की वजह से उसे स्थगित करना पड़ा। बीपीएससी परीक्षा के शेड्यूल में हो सकता है बदलाव। कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से जारी किए गए एकेडमिक कैलेंडर पर काफी ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। खबरों की माने तो बीपीएससी की 64वीं मुख्य परीक्षा के रिजल्ट में देरी हो सकती है। वहीं बहाली की प्रक्रिया भी काफी ज्यादा टाली जा सकती है। वहीं संयुक्त सचिव से परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने बताया कि कोरोना के कारण कार्यालय पूरी तरीके से बंद है और 14 अप्रैल के बंद खत्म होने के बाद ही आगे कोई निर्णय लिया जाएगा। गया में 2 परिवार के 5 लोगों में कोरोना मिला पॉजिटिव। बिहार के गया जिले में 2 परिवार के 5 लोगों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसमें से 3 लोगों का इलाज पटना के NMCH में, वहीं 2 का ANMCH के आइसोलेशन वार्ड में किया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, 5 पॉजिटिव लोगों में से सबसे पहले 23 वर्षीय युवक इसमें पॉजिटिव पाया गया था, जो मुंगेर के रहने वाले कोरोना की वजह से दुनिया को अलविदा कहने वाले सबसे पहले व्यक्ति के कारण प्रभावित हुआ था। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से लिखा पत्र। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बार बार डॉक्टर से और सुरक्षा कर्मियों के लिए पर्याप्त किट की मांग भी कर रहे हैं। इसी क्रम में तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राज्य में कोरोना की इस परीक्षा को पास करने के लिए और ज्यादा पीपीई किट और मास्क की मांग की है, जिसके तहत उन्होंने लिखा है कि वह इन उपकरणों की खरीद के लिए अन्य विकल्पों का भी पता लगाए। केंद्र सरकार हमारी मांगों को नजरअंदाज न करे। श्रवण कुमार ने मनरेगा मजदूरों का बकाया मजदूरी देने का किया ऐलान। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने हाल ही में मनरेगा मजदूरों के लिए बड़ी राहत वाली खबर सुनाई है, जिसके तहत श्रवण कुमार ने कहा है कि कोरोना की इस परीक्षा में मनरेगा मजदूरों को उनका बकाया मजदूरी दे दिया जाएगा, जिसके लिए ग्रामीण विकास विभाग में 78.43 लाख करोड़ रुपए की राशि भी जारी कर दी गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष के पहले सप्ताह में जारी करने का ऐलान जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की स्थापना दिवस के अवसर पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन एक बार फिर से राष्ट्र का संबोधन किया था, जिसके तहत उन्होंने भाजपा के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करने और यूज करने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी बताया कि ऐप की मदद से आपको कोरोना से जुड़ी अहम जानकारियां मिल जाएंगी, साथ ही इनके लक्षणों को भी पहचानकर आम आदमी जल्द से जल्द अपना इलाज भी करवा सकेगा, जिसको कि अब हर नागरिक आसानी से गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप से आप यह जान सकते हैं कि कहीं आप गलती से भी किसी कोरोना से प्रभावित व्यक्ति के संपर्क में तो नहीं आ गए।
बिहार में 10,000 से अधिक वाहन शोरूम में ही है बंद। कोरोना के बढ़ते असर के कारण अचानक से 21 दिनों के बंद के ऐलान के बाद सभी व्यापार ठप पड़े हैं। वहीं बंद के कारण 10,000 से अधिक वाहनों की डिलीवरी भी रुकी हुई है। कुछ ऐसे भी वाहन है जो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं मिलने के कारण शोरूम में ही पड़े हैं। हालांकि अभी उम्मीद जताई जा रही है कि बंद के बाद इन वाहनों की डिलीवरी जल्द से जल्द की जा सकेगी और वाहन मालिक अपने वाहन को घर ले जा सकेंगे। बंद के कारण किसानों की गेहूं लहलहा रही है खेतों में ही। कोरोना के इस समय में सभी लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त कर रखी है। वहीं इससे सबसे ज्यादा परेशान किसान भी है, क्योंकि किसान की गेहूं की फसल खेतों में बिल्कुल तैयार है, मगर बंद के कारण उनकी हार्वेस्टिंग नहीं हो पा रही है। क्योंकि राज्य के अधिसंख्य इलाके में गेहूं की फसल के लिए रीपर कम बाइंडर दिया गया है, या वो मशीन है जो पराली प्रबंधन में सहायक है, लेकिन इस मशीन में उपयोग होने वाला धागा बंद के कारण नहीं मिल पा रहा है। इतना ही नहीं, हार्वेस्टिंग के लिए चालक भी नहीं आ पा रहा, और बंद की वजह से ऐसे भी मजदूर है जिन्हें खेत मालिकों से परमिट नहीं मिल रही है। सभी पटना वासियों के लिए जारी किया गया जरूरी गाइडलाइन। सभी पटना वासियों के लिए जरूरी गाइडलाइन जारी कर दी गई है, जिसके तहत पटना के सभी लोगों को मास्क पहनकर निकलना अनिवार्य कर दिया गया है। इतना ही नहीं, सरकार ने अभी साफ कर दिया है कि जिन लोगों ने सरकार के इन आदेशों का पालन नहीं किया उनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे। इसके तहत नगर निगम ने दुकानदारों से अपील की है कि बिना मास्क पहने सब्जी या सामान ना बेचे, सिर्फ उन्हें बेचे जो मास्क पहनकर आए हों। इतना ही नहीं, प्रशासन ने यह भी साफ कर दिया है कि जो लोग नियमों का पालन नहीं करेंगे उनसे भारी राशि भी ली जा सकती है। शिक्षा मंत्री ने स्कूल कॉलेज के बंद के बाद खोलने के अटकलों पर की टिप्पणी। कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए केंद्र सरकार ने 14 अप्रैल तक बंद का ऐलान किया था। वहीं कई लोग 14 अप्रैल के बाद स्कूल कॉलेज समेत कई चीजों के खुलने की अटकलें भी खूब लगा रहे थे, जिस पर अब एचआरडी मिनिस्टर निशंक पोखरियाल ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि देश के शैक्षणिक संस्थान खोलने का फैसला 14 अप्रैल के बाद ही होगा। बंद के खत्म होने के बाद ही यह समीक्षा की जाएगी कि अभी फिलहाल इस मुद्दे पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। कोरोना की स्थिति में ड्यूटी से गायब 122 डॉक्टरों पर सरकार हुई सख्त। भारत में कोरोना बड़ी तेजी से पैर पसार रहा है। वहीं कोरोना से भारत को निकालने के लिए सरकार भी दिन रात कोशिश कर रही है। इसी बीच कई डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी से हाल ही में निर्धारित पाए गए हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार ने ड्यूटी से गायब रहने वाले कुल 122 चिकित्सक पदाधिकारी पर सख्त से सख्त कदम उठाने का ऐलान भी जारी किया है। इसके अलावा 76 अन्य डॉक्टरों को भी शो कॉज दे दिया गया है। पटना के 5 लोगों ने कोरोना की परीक्षा की पास। जहां एक तरफ कोरोना इस समय में सबकी परेशानी का सबब बना हुआ है, वहीं दूसरी तरफ बिहार से भी एक सुखद खबर सामने आई है, जिसके तहत बिहार के 5 लोगों ने कोरोना की परीक्षा पास कर ली है। पटना सिटी के अगम कुआं स्थित नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बीते दिन कोरोना पॉजिटिव 5 लोगों को एक साथ छुट्टी दे दी गई है, जिनमें से 4 सिवान के रहने वाले हैं, वहीं एक खेमनी चक स्थित शरणम अस्पताल का कर्मचारी है। वहीं अस्पताल प्रशासन ने इन सभी लोगों को छुट्टी देते हुए साफ कह दिया है कि आम नागरिकों से कोरोना को लेकर सतर्कता बरतनी बहुत जरूरी है। मगध मेडिकल अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में 2 बाहरी व्यक्तियों के घुसने से बढ़ी चिंता। यह वाकया है बिहार के गया जिले के मगध मेडिकल अस्पताल का, जहां पर अचानक से आइसोलेशन वार्ड में कोरोना पॉजिटिव लोगों से मिलने 2 व्यक्ति घुसते दिखाई दिए हैं। इसके बाद से पूरे अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल मच गया है। इतना ही नहीं, उनमें से एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति से सीधे संपर्क में आता भी देखा गया है। हालांकि वह भागने में कामयाब रहा, मगर दूसरा व्यक्ति लोगों की चपेट में आ गया, जिसके बाद प्रशासन उस व्यक्ति से पूछताछ कर रही है। बिहार सरकार ने 50 PDS दुकानों को बंद करने का जारी किया आदेश। कोरोना की स्थिति को कुछ दुकानदार मुनाफे की घड़ी समझ रहे हैं। इसके तहत कुछ दुकानदारों ने लोगों को लागत से ज्यादा दाम में सामान बेचने का काम भी कर रहे थे। वहीं अब सरकार ऐसे दुकानदारों पर सख्ती से पेश आते हुए 50 PDS दुकानों को बंद करने का आदेश जारी किया है। खबरों की माने तो ऐसे दुकानदारों पर जरूरत से ज्यादा महंगा सामान देने, साथ ही साथ तय समय पर राशन नहीं बांटने की बात कही गई है, जिसकी जानकारी खाद्य आपूर्ति विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने हाल ही में दी है। बंद में फंसे महादलित के लिए फरिश्ता बने SP। कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए जहां एक तरफ सरकार ने बंद का ऐलान जारी किया था, वहीं दूसरी तरफ कोरोना ने कमजोर तबके के लोगों को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। इसी बीच बंद के बाद से हाजियापुर महादलित बस्ती के कमजोर तबके के लोग भूखे रहने पर मजबूर हो गए थे। जब इसकी जानकारी गोपालगंज के SP मनोज कुमार तिवारी को मिली, तो उन्होंने पुलिसकर्मियों की मदद से पुलिस लाइन से करीब 200 खाने की सामग्री का पैकेट तैयार करवाकर उसे खुद जाकर वहां लोगों को बांटा। बिहार कांग्रेस नेताओं ने CM नीतीश को पत्र लिखा। बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा है, जिसके तहत उन्होंने सरकार को 16 बिंदुओं पर काम करने की जरूरत बताई है। इतना ही नहीं, मदन मोहन झा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सभी खातों में 2,000 रुपए भेजने की अपील की है। इसके साथ ही मदन मोहन झा ने दूसरे राज्यों में फंसे बिहारियों के लिए बिहार सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का भी जवाब मांगा है।
कोरोना के इस परीक्षा में पास करने के लिए केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला। कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए केंद्र सरकार ने अहम फैसला लिया है, जिसके तहत केंद्र सरकार ने आने वाले एक साल तक अपने सभी सांसदों की सैलरी से 30% कम करने का ऐलान जारी किया है। केंद्र सरकार 30% सैलरी का इस्तेमाल कोरोना के इस परीक्षा को पास करने में करेगी। याद हो, भारत में कोरोना बड़ी तेजी से अपने पैर पसार है, ऐसे में केंद्र सरकार हर संभव कोशिश कर रही है इसे रोकने की। केंद्रीय विद्यालय में ऑनलाइन पढ़ाई के लिए जारी किया जरूरी दिशा निर्देश। कोरोना के बढ़ते असर की वजह से केंद्र सरकार ने पूरे भारत को 21 दिनों तक बंद करने का ऐलान जारी किया था। इन सबके बीच छात्रों की पढ़ाई भी काफी ज्यादा प्रभावित हो रही थी, जिसको देखते हुए केंद्रीय विद्यालय ने हाल ही में छात्रों की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, ताकि छात्र घर बैठे बैठे अपनी पढ़ाई कर सके और अपना खाली समय बर्बाद न करे। जिसके तहत अब केंद्रीय विद्यालय के सभी शिक्षकों से व्हाट्सएप, SMS और ईमेल के माध्यम से विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री भेजने का निर्देश जारी किया गया है। रतन राजपूत पहचान छुपाकर रहने पर हो गई है मजबूर। देश में जारी 21 दिनों के बंद के ऐलान के बाद कई सारे सेलेब्स अपने अपने घरों से दूर किसी दूसरे शहर या देश में रह गए हैं। इसी बीच टीवी एक्ट्रेस रतन राजपूत ने भी एक वीडियो के जरिए अपने फैंस को यह जानकारी दी है कि वो इस वक्त बिहार के एक छोटे से गाँव में फंसी हुई है। बंद के ऐलान से पहले वह 3 लोगों के साथ किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में कहीं गई थी, लेकिन इसी बीच देश में बंद का ऐलान हो गया और उसके बाद वहीं पर रुकने पर मजबूर हो गई, जिसका वीडियो रतन ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है, जिसमें वह किसी छोटे से कमरे में बैठी नजर आ रही है। रेलवे ने तैयार किया 2500 आइसोलेशन कोच। कोरोना की इस परिस्थिति से निकलने के लिए रेलवे दिन प्रतिदिन मदद का हाथ बढ़ा रहा है। इसी क्रम में भारतीय रेलवे ने 2500 कोचों को आइसोलेशन वार्ड में बदलने का ऐलान जारी किया है। खबरों की माने तो रेलवे अब 5000 कोचों को आइसोलेशन वार्ड बनाने की कवायद में भी जुटा हुआ है। वहीं पूर्व मध्य रेलवे ने अपने सभी कर्मचारियों के लिए मास्क और सैनिटाइजर तैयार करने का काम भी पूरा कर लिया है। BCCI और सरकार ने क्रिकेट प्रेमियों के लिए DT स्पोर्ट्स पर रोमांचक मैच दिखाने का किया ऐलान। कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए सरकार द्वारा बंद के बाद अब लोग घरों पर रहने को मजबूर हो गए हैं। लोग ज्यादा से ज्यादा समय घरों में रहें और बाहर ना निकले, इसके लिए सरकार ने पहले रामायण समेत कई सीरियल्स के प्रसारण का आदेश जारी किया था। वहीं अब BCCI और सरकार ने क्रिकेट प्रेमियों को ध्यान में रखते हुए DT स्पोर्ट्स पर रोमांचक मैचों को दोबारा से दिखाने का ऐलान जारी किया है। खबरों की माने तो DT स्पोर्ट्स पर रोमांचक मैचों का हाईलाइट्स दिखाया जाएगा। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर्स ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है अरविंद कुमार, आनंद कुमार, हमारा इंडिया, गुड, शुभम, आर्य, फरहाद आलम, बाबर, अभिजीत कुमार, ममता वर्मा, स्नेहा सिंह, अमीर शाह, अंकित कुमार, रवि रंजन यादव, कन्हैया पासवान, कृष कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, केंद्र सरकार द्वारा एक साल तक अपने सभी सांसदों की सैलरी में 30% कम करने का ऐलान कोरोना के रोकथाम के लिए कारगर साबित होगा या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।